हम लोग जानते हैं कि हम लोग आज किस मौके पर एक साथ में इकट्ठा हुए हैं। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। आज आपको हम गणतंत्र दिवस का जो अर्थ है वो बताने जा रहे हैं। गणतंत्र का होता है कि जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व चुनना, यानी सरकार को चुनते हैं। आज ये दिन था कि आज हम लोग के सभी राइट, सारे अधिकार हम लोग को दिए गए हैं। आज के दिन अगर ये 1950 पे राइट लागू नहीं होता तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग जो एक साथ इकट्ठा होकर के अपनी बातों को एक समान रूप से रखते हैं, ये भारतीय जो संविधान था जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, उसने ये अधिकार मुझे दिया गया। आज हमारे पास में हमारे सभी जितने भी प्रशिक्षण ले रहे हैं वो सब मौजूद हैं, बच्चे हमारे, और वो अपने अपने सभी अपने विचार, अपने मत रखेंगे इसके अंदर। और इससे पहले हम झंडे को फहराएंगे, ईश्वर ने चाहा आप सभी लोग इसमें हम लोग को जो साथ देंगे, हम लोग का सभी लोग जो दुआएं देंगे हम लोग को, हम लोग अपने देश के प्रति जो समर्पित हैं आज, वास्तव में वो उसका कुछ एक अंश दिखाना चाहेंगे हम इसका। थैंक यू। बहुत उम्दा, बहुत थैंक यू। हम सभी लोग एक साथ में अपने देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन एक साथ में गाएंगे। झंडे को सलामी दो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने राष्ट्रीय पर्व बनाने से पहले सबसे पहले अपने इस तराने को, जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखा है, सबसे पहले उसे ना गाएं तो अच्छा ही नहीं लगता, कोई प्रोग्राम अच्छा ही नहीं लगता है जब तक उस तराने की शुरुआत ना की जाए। तो सबसे पहले सब प्रोग्राम को शुरू करते हुए आसिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संदरी हमारा, वो पासवा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश के बिना
हमारा 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 सारे जहां से अच्छा हिंदों सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। प्यारे भाई बहनों जैसे कि आप सब जानते हैं हम यहाँ पर एकत्रित हुए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इस अवसर पर आप सभी ने आज तक सुना होगा 26 जनवरी को जानते भी होंगे सभी को पता होगा कि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने से पहले संविधान मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कानून यानी कि जो आजकल जो कानून और नियम जो भी पाबंदी जो भी लगे हुए हैं वो इससे पहले नहीं था। इसमें इसे लागू करवाने में हमारे बहुत से मतलब शहीदों ने योगदान दिया। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान संविधान लागू कराने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। उन्होंने बहुत सी ऊंच नीच जात पात सबका सामना करते हुए ठान लिया कि मुझे इस वतन से ऊंच नीच और मतभेद ये इन सबकी दीवारों को हटाना है। ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को लेकिन इसे लागू करवाने में एक साल से भी ज़्यादा का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। उसी पर मैं दो तीन लाइनें कहना चाहूँगी। न कुछ लोग किसी को ना ठोकर लगाओ बढ़ रहे हो अगर तुम बढ़ते ही जाओ न कल तुमने देखा न कल मैंने देखा हाथ आया जो कल के लिए उसको बेचा आत्मा को अपने इस सौदे से बचाओ बढ़ रहे हो अगर तुम बढ़ते ही जाओ न कुछ लोग किसी को ना ठोकर लगाओ। ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे दिलों में है नफ़रत तो निकालो इसे न तेरा न मेरा न इसका न उसका ये वतन है सबका तो बचा लो इसे। और अंत में न जियो धर्म के नाम पर न मरो धर्म के नाम पर इंसानियत ही है धर्म वतन का बस जियो वतन के नाम पर। शुक्रिया थैंक यू। आरक्ष पांडपा ने संविधान के बारे में डिस्क्राइब किया और ये बताया कि किस तरीके से आज का संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ हम लोग के बीच में आएगा। ये बात सही है कि इससे पहले बिना किसी लॉ के हम चल रहे थे कोई चोरी चपारी कर रहा है क्राइम कर रहा है तो इसको कोई क्या पनिशमेंट दी जाए किस एक्ट के अंतर्गत इसको लाया जाए वो यहाँ पास इस दिन लागू किया गया। और इस संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इनका सबसे ऊपर नाम रखता है तो आप इसके बाद में अलीशा दुलस बोलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन रिस्पेक्टेड माय सर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड माय नेम इज अलीशा इरफान। टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रॉम ऑफ यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल हु आर प्रेजेंट हियर अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। Today we all are gathered here to offer our nation on 26 January 1950. Our country got its constitution. We got our independence on 15 August 1947 from British rule. However, the constitution of India came into force on 26 January 1950. Since then we celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizen of the country holds the supreme power of elector representative. Constitution gives all of us the same right, despite any difference of religion, color or language. In parts 72 year, our country has gone through many changes. The command of the country come into hands of the people and Indian become a democratic country. Along with the lots of development, there are some pitfalls and that have also come in the way. Unemployment and the corruption has grown up very fast.
वी शुड टेक अ प्लेज द फाइंड दैट आवर कंट्री बिकम्स दैट बेस्ट प्लेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज दिया तुमको आलिशा ने. नेक्स्ट मैसेज इज इरम फातिमा. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इरम खान फ्रॉम फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट. जैसा कि हम सबको पता है आज 26 जनवरी है, सो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे. 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पूरे भारत में बड़े सम्मान और जोश के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन अपना संविधान और गणतंत्र दोनों लागू हुए थे. हम सबको पता है कि लंबे समय से हमारी मातृभूमि भारत पर ब्रिटिश शासन का राज रहा है और भारत के लोगों को काफ़ी सालों तक गुलामी भी करनी पड़ी है, जिसके कारण भारत के लोगों को ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए हर कानूनों का पालन भी करना पड़ता था. लंबे समय के बाद भारतीय सेनानियों ने मिलकर यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कराया और फिर लगभग 2.5 साल के बाद यानी 26 जनवरी 1950 में अपने देश में संविधान लागू कराया. इस दिन भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया. भारतीय संविधान को हमारे संसद ने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में मिलकर तैयार किया और इसी दिन इसको घोषित किया गया. आज के दिन लॉर्ड माउंटबेटन यानी जनरल गवर्नर के स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट घोषित किया गया. बलिदानों का सपना जब सच हुआ भारत तभी आजाद हुआ. बलिदानों का सपना जब सच हुआ भारत तभी आजाद हुआ. आओ झुककर सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह जिनकी शहादत से ये देश आज़ाद हुआ. आज के दिन हमारे भारत में अपना संविधान, अपनी सरकार और अपने राष्ट्रपति चुना गया, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के यानी गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में बड़े सम्मान और जोश के साथ मनाया जाता है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. आज सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ. हमारे देश को 72 ईयर्स हो गए हैं, आज हमारा 73 स्टार्ट हो रहा है. आपको हम कुछ लाइनें सुनाएंगे. एक ही आन का है कुछ नशा, मुतभूमि की शान का है. लहराएंगे हम हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है. बलिदानों का सपना जब सच हुआ देश तभी आज़ाद हुआ. आज हम सलाम करेंगे उन वीरों को जिनको शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ. इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना. लहू देकर कि जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर कि जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगों को सदा अपनी आँखों में सजाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा अपनी आँखों में बसाए रखना. थैंक यू. पापा मेरा हीरो है, तो दुनिया का सबसे बेस्ट पापा मेरा पापा है. आपने तिरंगे की शान तो लफ्ज कहा. अगला पार्टिसिपेट तुबा करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम तुबा जमील है. 26 जनवरी पे कुछ लाइन आपको बताएंगे. आन देश की शान, देश की हम संतान हैं. तीन रंगों से रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान है. थैंक यू. आज 26 जनवरी है. आज मैं आपको 26 जनवरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं. मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं. मैं जैनब फातिमा 26 जनवरी के मौके पर आप सबके सामने कुछ अपने बातें शेयर करना चाहती हूँ.
आज़ादी, आज़ादी का असली मकसद वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने आज़ाद हिंदुस्तान में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिस लौ ने वर्षाल बनकर 1947 में हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और फिर 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक संविधान के साथ पूरी तरह से आज़ाद हो गए और आज हमें अपने संविधान पर बहुत फख्र है। क्यों? क्योंकि हमारा ये संविधान वो संविधान है जिसमें 1618 भाषाएं, 6 धर्म, 29 राज्य और 6400 जातियों को रखकर एक संविधान बनाया गया। यह स्वाभिमान, यह गर्व और बड़ी बड़ी बातें करने का, सीना ठोक कर सबके सामने का, जो बातें करने का जो हम में हिम्मत और साहस जो रखते हैं, वो हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है। अगर वो कुर्बानी ना देते तो हम आज़ाद ना होते और वही अपनी गुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते। ये बात अलग है कि तारीख को सियासत ने बदल दिया है, ये बात अलग है कि इतिहास के पन्नों से हमें मिटा दिया गया है, कि इतिहास की किताब में 1-2 का नाम देकर बाकी मुसलमान शहीदों को मिटा दिया गया है। मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे मुसलमानों ने खून को पानी समझकर, आग के अंगारों को अपना मकसद राह समझकर, फांसी के फंदे को गले का हार समझकर, कारखाने की दीवारों को अपना घर समझकर, अंग्रेजों को जुल्म को अपना जिंदगी का खिलौना समझकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भाग जाने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से आज हमें आज़ादी की ठंडी हवाएं खाने का मौका मिला। अगर आज ये मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में अगर पहल करने वाले कोई थे तो वही तो हम ही मुसलमान थे। जाओ ज़रा लाहौर की अदालत खाने से पूछो, जाओ बालाकोट की पहाड़ी से पूछो, जाओ चांदनी चौक से लेकर दिल्ली, जाओ ज़रा चांदनी चौक से लेकर खैबर की दहलीज तक जिन पेड़ों ने जन्म लिया था, ज़रा उनसे पूछो, जाओ मुरादाबाद की ज़मीन से पूछो, जाओ दिल्ली की जामा मस्जिद से पूछो, जाओ बालाकोट की पहाड़ी से पूछो, जाओ वादी काला पानी से पूछो। अरे दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़े हमने। अरे जहाँ जाओगे हमारी ही आहें मिलेंगी, हमारी ही कुर्बानियाँ मिलेंगी, हमारी ही चीखें मिलेंगी, लेकिन नहीं मालूम था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं को खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा, यही जहनियत रही हमारी तो हमको खतरा है इस सदी में, यही जहनियत रही हमारी तो हमको खतरा है इस सदी में, न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। आज मैं आपको बता दूं कि जब हम अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए थे तो आज़ादी की एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ आते थे और नारे तकबीर के नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी फौजों की जड़ों में तूफान ला देता था। 62, 65 और 71 की जंग आज़ादी में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें, अपने आप को बेवा बनाने वाली औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, बाप की कमाई गई भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गईं, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गईं। वो वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे ये कहकर पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने ही खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक चाहे इंच कट जाना,
पुत्र मेरे न घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था, तब देश कुर्बानियां मांगता था। लेकिन आज देश कुर्बानियां नहीं मांगता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश लड़। सरजमीन हिंदुस्तान का कोना कोना इस बात की गवाही देता है कि हिंदुस्तान की पाक सरजमीन पर जब अंग्रेज़ों का नापाक कदम पड़े, अंग्रेज़ों का नापाक साया हिंदुस्तान की तरफ पड़ा, जब हिंदुस्तान के जब ये साजिशी कौम हिंदुस्तान के तख्त व ताज का मालिक बन बैठी, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले बगावत का परचम हमने बुलंद किया। सबसे पहले रास्ते की कठिनाइयों से बेफिक्र होकर मुल्क की आज़ादी की तलाश में हमने फांसी के फंदों को चूमा, चूम कर मंजिल का निशाना पूछा। तो कभी मुल्क की आज़ादी के खातिर हमने जिस्मों को लहूलुहान कराया, हमने आग के अंगारों में जाना पसंद किया, हमने इस मुल्क की आज़ादी के खातिर बरसरे अदालत में आज़ादी सुनाई, हमने माल्टा की कोठरियों को अपना वतन बनाया, हमने इस मुल्क की खातिर खून को पानी समझकर बहाया, आग के अंगारों को अपना मकसद राह समझा, कैदखाने की दीवारों को अपना घर समझा। दोस्तों, इस तरह सदियों की गुलामी के बाद हमारी कुर्बानियों की बदौलत हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ। आप तारीख उठाकर देखिए और उसका मुताला करिए, आप हिस्ट्री को उठाकर देखिए और उसकी रीडिंग करिए। कसम, मतलब एक कलमा पढ़ने वाला जिंदा रहेगा तब तक वो अपनी शरीयत पर अमल करता रहेगा इंशाल्लाह। हम कल भी अमल करते थे और आज भी करते हैं और रोज़े कयामत तक करते रहेंगे इंशाल्लाह। याद रखो, कल भी अपनी शरीयत पर अपनी आज़ादी के लिए सूली पर चढ़ते थे और आज भी चढ़ सकते हैं। हम कल भी फांसी के फंदों को चूमते थे और आज भी चूम सकते हैं, और तोपों और टैंकों का मुकाबला आज भी कर सकते हैं, शोलों और बारूदों से झुलस सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपने दीन और धर्म और मजहब और मिल्लत के अंदर कोई आँच नहीं आने देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को चाहिए कि ऐसे आस्तीन के सांपों को कुचल कर फेंकें और अपने मुल्क की हिफाजत करें। ये जो हमारा हिंदुस्तान है, इसे कुछ नालायक मुल्क, कुछ मुल्क के गद्दार हमारे इस हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। याद रखो, इस ज़मीन पर जब तक एक अल्लाह वाला, जब तक एक ईमान वाला जिंदा रहेगा, अल्लाह की कसम, हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू के साथ कोई खेल नहीं सकता। जब भी हिंदुस्तान की सरजमीन खून की प्यासी हुई तो हम ही ने आगे बढ़कर खून दिया। दोस्तों, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, कि आजकल मैं फहराने से ज़्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। एक शहीद हुए जवान की विधवा की पुकार जब चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो घर की रोटियाँ ही चली गईं। कि दोस्तों, भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है, कहीं क्या होगा भविष्य में, उनकी नौकरी का खतरा, नौकरी को जाने का खतरा सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक आतंकवाद के राइफल से निकलने वाली गोली को तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़ेगा, चाहे वो किसी बेगुनाह को लगे या ना लगे, लेकिन किसी गुनहगार को नहीं लगनी चाहिए। आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, चरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे, हम ही तो बुनियाद है आने वाले कल की, और हम ही को सच बोलने से डराया जा रहा है। आप फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दीजिए, ट्विटर पर एक पोस्ट डाल दीजिए, इंस्टा पर एक पोस्ट डाल दीजिए, आपको लगता है कि आपने सही को सही कह दिया, आपने गलत को गलत कह दिया। अरे, हिम्मत तो तब है जो सही है, जो अच्छा है उसके साथ खड़े भी हो जाओ, और जो गलत है उसकी पुरजोश मुखालिफत करो। लेकिन आज सच बोलने से हर इंसान डरता है, आज ज़रूरत है जो ज़रा सा भी अच्छा है उसके साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि नफ़रतें बहुत कलेक्टिव कोशिशें कर रही हैं और मोहब्बतें बहुत बिखरी हुई हैं। देश बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने आप को बचाइए, हिंदुस्तान बचाइए, देश बचाइए। आप देख लीजिए जाकर इंडिया गेट की उन दीवारों को जिन पर आज भी कुल 95,000
300 वीर सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें सिख 8,050, पिछड़े 14,480, दलित 10,777, स्वर्ण 598 और मुसलमान सबसे ज्यादा 61,395। कि जो ये माने बैठा है कि भारत भाग्य विधाता है, जो ये माने बैठा है कि भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटी का नाता है। जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊँ मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये वही ताजमहल है जिसे आप गद्दारी की अलामत मानते हैं, जिसे एक साल में देने के लिए 19.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, और वो रुपया वो पैसा इस मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। आप भूल जाते हैं कि ताजमहल वही ताजमहल है, कि दुनिया में आप किसी भी कोने में चले जाइए, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, जब हिंदुस्तान का नाम आता है तो लोग कहते हैं ताजमहल, जहाँ ताजमहल है तो ताजमहल से हिंदुस्तान की पहचान होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ब्रश और बाल्टी में ऐसा कलर घोल करके घूम रहे हैं, जिन्हें हमारी निशानियों से तकलीफ है, जिन्हें हमारी इमारतों से तकलीफ है, जिन्हें हमारी पुरखों की बनाई हुई एक एक इमारत से तकलीफ है, उसे लेकिन जो सच है उसे कैसे झुठलाओगे। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश के कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान सी इन दीवारों में मुमताज से जोधा बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूनी होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए, संगीत की बारी आए तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत के खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नज़ारा अपना है, जमुना का किनारा अपना है, हर एक नज़ारा अपना है, वो कुतुब मीनार अपना है, वो ताज वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है, टुकड़े टुकड़े कीमत सोचो सारा का सारा अपना है, टुकड़े टुकड़े कीमत सोचो सारा का सारा अपना है, 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि आज के इस 26 जनवरी के सुनहरे मौके पर अपने भाई बहनों से ये पैगाम देना चाहूँगी कि नौजवानों, आप अपने शख्सियत, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए। अगर इसी तरह ख्वाबों की दुनिया में खोए रहेंगे तो आने वाली नस्लें आपको कोसेंगी। 26 जनवरी के इस प्रोग्राम में ये अहद करके उठिए कि इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, सियासत में भी हिस्सा लेंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, और मुल्क में रहने वाले हर एक बाशिंदे की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हर एक की हिफाजत करेंगे। कि दिलशान हो रहा है, मसरूर जिंदगी है, अहले वतन मुबारक 26 जनवरी है, दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, आज़ाद मुल्क कानूनन भी हुआ इसी दिन, आज़ाद मुल्क कानूनन भी हुआ इसी दिन, हमको हमारा कामिल हक भी मिला इसी दिन, देखा था ख्वाब जो वो पूरा हुआ इसी दिन, क्यों जश्न ना मनाएं 26 जनवरी है, दिलशाद हो रहा है, मसरूर जिंदगी है, अहले वतन मुबारक 26 जनवरी है। अस्सलाम वालेकुम। शान तेरी न कम होने देंगे वतन,
नाम ले ले के तेरा हम जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, हर दिन का तेरी जमी का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, मेरा तन मन धन बस जन गण मन कण कण में भारत माँ, मेरा तन मन धन बस जन गण मन कण कण में भारत माँ, ये देश है अलबेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो उजियाल यहाँ रहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, तेरी माटी तिलक है मेरा है माँ तुझे नमन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन जन में भारत माँ, मेरा तन मन धन बस जन गण मन कण कण में भारत माँ, जहाँ आँख में होगा पानी जहाँ जुल्म के मौसम होंगे, बारूद लिए सीने में मौजूद वहाँ हम होंगे, बाजू भी बहुत है सर भी कटने से कहाँ कम होंगे, बाजू भी बहुत है सर भी कटने से कहाँ कम होंगे, लाल तेरे घरों से निकले है बांध कर कफन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, मेरा तन मन धन बस जन गण मन कण कण में भारत माँ, मेरा तन मन धन बस जन गण मन कण कण में भारत माँ, थैंक यू। कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थम सी गई नब्ज जम सी गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, कट गए सी गई नब्ज जम सी गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ हम नहीं, सर हमारे कहाँ लेगा ना झुकने साथियों, कर चली हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों,
कर चली हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, हम सजाए रहे बस नए काफिले, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाए ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बात हो, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चली हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, खींच दो अपने खून से जख्मी की लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ आत अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई, राम वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से पहुँचूँ जहाँ मैं मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन। थैंक यू। तो बच्चा प्रिपरेशन करके आई है, अपनी आवाज जो है आप हम लोग के बीच में रखेंगे, देखते क्या सुनते हैं। ऐ वतन ऐ वतन, बड़ा सुंदर आवाज पे आया था आपने चांदनी, अब आपकी बारी। कौमी तिरंग झंडे, कौमी तिरंग झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में, तू मान है हमारा तू शान है हमारी, तेरे मुरीद हम हैं तू जान है हमारी, दिखती हमें शहीदों की, दिखती हमें शहीदों की आन इस दिशा में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में, कौमी तिरंग झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में, आकाश और जमीन पर हो।